उत्तर पश्चिम रेलवे खेलकूद संघ जयपुर की ओर से 15वीं ऑल इंडिया रेलवे हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में आज से शुरू हुआ। संघ के अध्यक्ष वेद प्रकाश ने बताया कि चैंपियनशिप में 8 पुरुष और 5 महिला वर्ग की टीमों के 170 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 28 मार्च तक चलने वाली इस चैंपियनशिप का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना है। कि ऑल इंडिया रेलवे प्रतियोगिता है, 15वीं प्रतियोगिता है और जयपुर में पहली बार इसको किया गया है और इसमें 8 मेल है और 4 वुमेन हैं और इसमें सभी रहने का हम लोगों ने पहली बार सभी अच्छा अरेंजमेंट किया है और अच्छा मैच हो रहा है। ये प्रतियोगिता खुद ही एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है और जब ये लोग खेलते हैं तो दूसरों को भी खेल के प्रति बढ़ावा देता है ये। तो इसी क्रम में भारतीय रेल में हम इंटर डिविजनल लेवल पे प्रतियोगिताएं करते हैं, जैसे एक रेलवे में होती हैं वो, और इंटर रेलवे लेवल पे प्रतियोगिता होती है जो कि रेलवे बोर्ड ऑर्गेनाइज करता है और वो किसी एक रेलवे को जिम्मेदारी दी जाती है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे इस बार हैंडबॉल की प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें भारतीय रेलवे भर की सारी टीमें हिस्सा ले रही हैं। 25 से 28 तक ये 4 दिन टूर्नामेंट चलेगा और इसमें मेन्स टीम भी है, वीमेंस टीम भी है और जैसा आप देख रहे हैं बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में, खिलाड़ियों में। और पहला मैच हुआ है, एनडब्ल्यूआर की टीम जीत भी गई।